नमस्कार दोस्तों, ये एनटीपीसी बोर्ड वालों को क्या हुआ है, इनको पागल कुत्ता काट रखा है। मैं कल से बहुत परेशान हूँ, कई सारे बच्चों का कॉल आया और खुद मैंने देखा और हमारे सभी साथी टीचरों ने इसका विरोध किया। जो रिजल्ट अभी स्कैम हुआ है, ये घोटाला है, ये पता नहीं इन्हें पागल कुत्ता काट लिया है कि पागल गधा काट लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये एग्जामिनर जो है भाई, तुम अगर पहचान में आ गए ना, ये जो तुम जो रिजल्ट तैयार करते हो ना, अगर पहचान में आ गए ना, तो जूते जूते मारते मारते तुम्हारा ना मुंह का एकदम समोसा बना देंगे। मतलब हद हो गई यार। एक तो 2019 में 2019 में वैकेंसी निकालते हो, 2020 में हम लोग हल्ला करते हैं, तब जाके तुम 2021 में एग्जाम करवाते हो और तब जाके 2022 तक तुम्हारा रिजल्ट आता है। यार ये तुमने 4 से 5 साल जो बर्बाद किए, एक तो बच्चों की पहली बर्बाद कर दी तुमने, वो उम्मीद लगा के इंतजार करते रहते कि भाई मैं 4-4 साल से लगातार एक एग्जाम के फॉर्म भरकर 4 साल में तैयारी कर रहा हूं इस बार एग्जाम को निकालने के, और तुम क्या करते हो, 92 नंबर पर कटअप लाते हो, 92 पर लाते हो। ये तुम्हारे बाप से सोल्व होगा क्या? तुम्हारा बाप नहीं लाएगा 92 नंबर, 100 नंबर में से 92 नंबर। तुम दिमाग खराब है तुम लोगों का। और ऊपर से कहते कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, और क्या किया तुमने? 20 गुना रिजल्ट दिया नहीं, 20 गुना खाली रोल नंबर का रिजल्ट दिया। मतलब एक आदमी को 4-4 जगह, 3-3 पोस्ट पर, 4-4 पोस्ट पर तुमने रिजल्ट दे दी, एक ही व्यक्ति का, लेकिन तुमने क्या किया कि हम 20 गुना रिजल्ट दे दिए। यार चुतिया समझ रखा है क्या तू? पागल है क्या? दिमाग तुम लोगों का काम नहीं करता। मोदी जी, मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम एक आध मिसाइल इन लोगों के ऊपर भी छोड़ दो। ये केवल चाइना पाकिस्तान करने से नहीं होगा, कुछ आतंकवादी हमारे देश में भी बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? आज के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा जो 4-4 साल तैयारी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, रेलवे बोर्ड से लड़ाई लड़ते हैं, और तब जाके इनकी स्थिति ये होती है कि ये 3 से 4 लाख लोगों को मतलब ये रिजल्ट देते हैं, और जो काम होना चाहिए मेंस एग्जाम होने के बाद होना चाहिए, वो क्या करते हैं कि वो पहले ही पीटी एग्जाम में ही कर देते हैं। ये पोस्ट वाइज अभी कटअप जारी कर दिया। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, ये कब से होने लगा भाई? ये हमारे यहां तो भाई ये नर्सरी क्लास का जो टीचर पढ़ाता है ना बच्चा को, उसको भी टेस्ट लेने आता है। ये कौन सा टेस्ट लेने का तरीका है? और ये नॉर्मलाइजेशन, ये क्या बना रखा आप लोगों ने? एकदम घटिया चीज, फालतू चीज। अरे कोई सोचने वाला नहीं है क्या इस बोर्ड में? पूरे कोई भी अधिकारी सोचने वाला नहीं क्या? रेलवे मिनिस्टर कहां मर गया भाई? मोदी जी, आपके कान तक कभी आवाज नहीं जाती क्या युवाओं की? मतलब गजब हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, जितने भी अधिकारी हैं रेलवे बोर्ड में बैठे हुए रिजल्ट तैयार करने वाले लोग, सुन लीजिए, चक्का जाम हो जाएगा। और हम लोग कुछ मानने वाले नहीं, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानने वाला है। और यार ऐसे भी लोग मर रहा है, तुम्हारे सामने मरेंगे, मार के मरेंगे। तुम हो इस देश का दुश्मन, गद्दार हो यार। अरे मरेंगे तो मरेंगे, तुमको मार के मरेंगे, खत्म कर देंगे हम तुम्हें। फिर से रिजल्ट तैयार किया जाना चाहिए। हम सारे टीचरों से कनेक्ट होंगे अभी, और सुन लीजिए पूरे देश में आंदोलन होगा। जितने भी हमारे साथी टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे हमें प्यार देते हैं भाई ना, उनके लिए एकदम सब लोग खड़े होइए, एक होइए, और एक होकर पूरे देश में आंदोलन होगा अगर ये दोबारा से रिजल्ट तैयार नहीं होता है तो। दोबारा से फिर रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए, और 20 गुना रिजल्ट देना है तो 20 गुना रिजल्ट तैयार होना चाहिए, और एक बंदा किसी एक ही जगह उसका रिजल्ट होना चाहिए। एक ही बंदे को 4 पोस्ट पर रिजल्ट दे दोगे, कहां कहां ज्वाइन करवाओगे उसको? गजब हाल है यार। मतलब तुमको कैसे रख लिया वहां पर? गजब हाल है। मतलब मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा है, ऐसे फालतू आदमी सब बैठे हुए इस देश में। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों की कभी? क्या नहीं पढ़े लिखे हो तो किसी से पूछ लो, घूस देके गए हो ना, पता है हमको, घूस देके गए हो तुम लोग, वहां बैठे हो, तुमको क्या समझ में आएगा विद्यार्थी का दर्द क्या होता है? अरे तो तुम पूछ लो, किसी से सलाह ले लो कि रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा। बहुत सारे इस देश में लोग हैं पढ़े लिखे, पता तो करो एक बार। और ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है ना, ये सब हटा लो, ये फालतू का है। पहले एग्जाम होता था, पहले एग्जाम नहीं होते थे क्या? पहले भी होते थे एग्जाम, और 100 में से 92 नंबर तुम्हारा बाप लाएगा।
रिजल्ट दोबारा जारी होना चाहिए। और बच्चों मैं आप लोगों से कह देता हूं, आप लोग घबराना मत, हम लोग लगातार अरे रहेंगे और जब तक रिजल्ट दोबारा से जारी नहीं होगा, और ये जो सिस्टम किया है ना चार जगह रिजल्ट देने का, ये सिस्टम नहीं खत्म करेगा, हम लोग इस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे रेलवे का चक्का जाम हो जाएगा, पूरे देश में जाम हो जाएगा, बता दे रहे हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी एक होइए और सारे शिक्षक सबको मेरा प्रणाम है भाई, जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं बच्चों को, लगातार हम लोग एक अब होंगे, सब लोग बात करिए आपस में और करेक्ट होइए एक दूसरे से, और फिर देखते हैं कि कैसे ये रिजल्ट जारी नहीं होता है। और बच्चों तुम लोग ना अपने पढ़ाई में कमी नहीं रखना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, हम लड़ेंगे, जब लड़ लड़के ही होता है अपना हक मिलता है तो लगातार लड़ाई जारी रहेगी।